हेलो दोस्तों, राम राम सभी भाइयों को। तो भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो भाइयों, मैं आज आपको बता दूँ, हमारे गांव के पास में एक गांव है, इकलौता गांव। उस गांव की लड़की है पारुल चौधरी, जो देश के लिए 2 मेडल जीत कर ले गई है एशियन गेम में। उसमें 3 किलोमीटर में सिल्वर मेडल और 5 किलोमीटर में गोल्ड मेडल जीत कर लाई है, जिसके स्वागत के लिए हम जा रहे हैं और आपको मिलते हैं विलोग में। तो चलते हैं, बने रहो विलोग में। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं। ये देखिए, यहाँ पे हो रहा है स्वागत। ये भराला गांव में स्वागत हो रहा है। भराला गांव में आ चुके हैं, यहाँ पर स्वागत हो रहा है भराला गांव के अंदर। और अभी मैं आपको और भी दिखाऊंगा, मतलब इतनी भीड़ है भराला गांव में, बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्वागत करें। देखिए, छोटा सा बच्चा गिफ्ट भी लेकर आया। अरे यार, देश के लिए बहुत गर्व की बात है, और ख़ासकर हमारे क्षेत्र के लिए। ये देखिए कितनी भीड़ है, सभी लोग देख रहे हैं। मतलब देखिए भाइयों, कितनी तगड़ी भीड़ है। मतलब सभी लोग, दूर आसपास के गांव के लोग भी हैं, लेकिन ज़्यादातर भराला के गांव के लोग इसके अंदर शामिल हुए हैं। ये देखिए, मैं तो खड़ा हूँ भाई थार के ऊपर। देखिए, सभी देख रहे हैं, मतलब घर में से। भाई यार, बहुत गर्व की बात है, लड़की इतना ऊपर तक चली गई है। ये देखिए, हाँ हाँ तुझे भी लेंगे यार। बहुत तकड़ी भीड़ है इस टाइम गांव में। बहुत अच्छा स्वागत किया फूल लो माला से। अभी यार मैं आपको बता दूं कि मैं रोड पे अगर नहीं ले पाया, क्योंकि मैं लेट हो गया था थोड़ा सा। देखिए, क्या अब हम भराला गांव के बाहर आ चुके हैं। यहाँ पर भी देखिए स्वागत होगा भराला गांव के बाहर। गाड़ी रुक चुकी है यहाँ पर, ये बाइक वालों को आगे भेज रहे हैं, क्योंकि यार इनकी वजह से रुक रही है ना गाड़ी बीच बीच में। ये फूल लेकर आ चुके हैं। यहाँ से स्वागत होने के बाद में हम निकल चुके हैं। भाइयों, इस चीज़ को देख के एक चीज़ का तो पता लग रहा, भाई किसी भी चीज़ में मेहनत करते रहो, करते रहो, करते रहो, खाली एक दिन सफलता जरूर मिले। और देखिए, किसी दिन भाई ऐसी ही भीड़ लगेगी तेरे भाई के लिए, होगी इतनी तकड़ी भीड़ लगा देंगे किसी दिन। मेहनत कर रहे हैं भाई, अभी तो लोग कह रहे हैं कि ऐसे भी लोग इन करें, यूँ घूमना है घूमना है, भाई मेहनत कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी हम पहुंच चुके हैं इकलौता गांव के बाहर, मतलब पारुल चौधरी के गांव के बाहर आ चुके हैं हम। कुछ ही देर में हम उसके मतलब गांव में अंदर चलने वाले हैं। अभी मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए अभी दूर दूर से आ रहे हैं लोग, यहाँ ज़्यादा भरा लगे हैं और इकलौते के हैं वैसे तो। ये देखिए, अभी भरा लगे हैं। देखिए भाई, ये सम्मान के रूप में पैसे दे रहे हैं, लेकिन पारुल चौधरी ने मना कर दी पैसे लेने को। वाह भाई वाह, भाई पैसे नहीं चाहिए, सम्मान कर रहे लोग इतने काफ़ी हैं। ये देखिए, लगा हुआ है बोर्ड ग्राम इकलौता। यहाँ पर देखिए आप, फूलों से स्वागत हो रहा है पारुल चौधरी का। ये इकलौता गाँव ही है भाई। इस चीज़ से एक सीख तो मिल जाएगी, अब कोई लड़की को कम नहीं मानने का लड़कों से। लड़की कुछ भी कर सके भाई, पाल चौधरी ने साबित करके दिखा दिया। देख कितनी भीड़ है, कभी सोचा भी नहीं होगा लोगों ने कि इतनी भीड़ होगी कभी एक लड़की के पीछे। अभी पाल चौधरी अपने घर के लिए जा रही है,
वहाँ भी बहुत अच्छे स्वागत के लिए इंतजाम हुआ है, अभी दिखाते हैं। ये देखिए पारुल चौधरी को देखने के लिए पूरा गांव, मतलब पूरा गांव कोई भी घर के अंदर नहीं है, सब घर के बाहर आ गए। वहाँ सामने पारुल चौधरी का घर, अभी सभी लोग वहाँ जा रहे हैं और अभी हम भी वहीं चल रहे हैं। लोग तो दोस्तों देखिए हम आ चुके हैं पारुल चौधरी के बिल्कुल घर के सामने, ये देख कितनी भीड़ है, बहुत गर्व की बात है यार। एशियन गेम में अभी दो दो मेडल, मतलब अधिकतर लोग भरा लगे हैं, मेरे गांव के सबसे ज़्यादा लोग हैं भरा लगे, रिश्ते के भी काफ़ी लोग हैं, इस तरह मतलब भीड़ लगी हुई है। इसमें तो भरा ला, मतलब मंत्री भी आ गए हैं, सुनील भराला, संजीव वालिया, धर्मेंद्र भराला, ये सब मंत्री भी आई हैं। देखिए जी गाड़ी में से राहुल चौधरी उतर कर आ गई है, फैमिली के लोग खड़े हैं, परिवार की मंडी भी है, रिश्तेदार भी स्वागत के लिए खड़े हैं उनकी, आरती तिलक वगैरह करिए। भाई भीड़ काफ़ी है, इस वजह से थोड़ी सी आगे जा नहीं सकता मैं। पारुल चौधरी की मम्मी है जो सामने आपको दिखाई दे रही है, पारुल चौधरी और उसके घर में कभी सोचते नहीं होगा कि कभी मतलब देश के इतने सारे लोगों की भीड़ से घर आओगी, पर वो ये ना भाई मेहनत करो ना, मेहनत मेहनत से भाई कुछ भी होगा। भाई देखिए बीच के बीच में गाय घुस गई, यहाँ पब्लिक के बीच में गाय और एक बैल घुस गया है, देखिए ये भी मतलब स्वागत के लिए आए हैं जी। और मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी जो जो है।
जिंदाबाद, अरुण चौधरी जिंदाबाद। आदरणीय बुजुर्गों, हमारे संजीव बालियान जी, कैबिनेट मंत्री और जितने भी वरिष्ठ नेता मेरे यहाँ आए हैं, सभी को मेरे धनखड़ परिवार की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। और मैं समझता हूँ धनखड़ के अलावा और भी कोई भाई बहन हैं जो संस्कृति है, उनको बहुत बहुत धनखड़ से ज्यादा धन्यवाद होंगे। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो है दोनों साइड पर कुर्सियाँ उसके बाद में अपने स्वागत का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। क्या हो गया भाई, साउंड कम कर बढ़िया प्रधान जी भी आ गए हमारे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अभी हम निकल चुके हैं घर के लिए, तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे और भी व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद।